दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में हम हरियाणा की आज की अहम खबरों पर नज़र डालेंगे और सबसे पहले बात हरियाणा सरकार के आज के अहम फैसले की। हरियाणा सरकार ने आज एक अहम फैसला लेते हुए ज़िलों में उपायुक्तों के एक अधिकार को ख़त्म कर दिया है। ज़िलों में उपायुक्त की अनुपस्थिति में अब उसका प्रशासनिक कामकाज अतिरिक्त उपायुक्त देखेंगे, यानी सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गुजरात पहुंचे। वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि हिमाचल के साथ ही गुजरात में भी चुनाव हुए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की और आज मुख्यमंत्री ने वहां पर शपथ ग्रहण की। भाजपा के करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल को NCR से बाहर निकालने की मांग की है। उन्होंने आज लोकसभा में यह मांग उठाई और साथ ही उन्होंने पानीपत की औद्योगिक इकाइयों में कोयले के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग भी उठाई है। संजय भाटिया ने यह तर्क दिया कि पानीपत में बहुत सारी इकाइयां हैं जहां पर कोयले की अनुमति नहीं होती, जिसकी वजह से औद्योगिक लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हरियाणा में किसानों ने गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुगर मिलों पर आज कई जगह प्रदर्शन किया और गन्ने की कीमतें बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार से मांग की। हरियाणा में सरकार से किसान पिछले काफ़ी दिनों से गन्ने की कीमत की मांग में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसानों की इस मांग पर गौर नहीं कर रही, जिसकी वजह से अब किसान प्रदर्शन करने का रास्ता अपना रहे हैं। यमुनानगर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस युवक को बेरहमी से कत्ल करके इसका शव बोरे में डालकर नदी के किनारे डाल दिया गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही रात में केवल 20 मिनट में 4 पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि करीब 9 बजे कार में सवार होकर कुछ लुटेरे जयपुर और दिल्ली हाईवे पर आए और सबसे पहले 9 बजे के आसपास पहले पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया और इसके बाद लगातार 3 और पेट्रोल पंपों पर जो लूटपाट की घटना है उसको अंजाम दिया गया। इस दौरान एक व्यक्ति घायल भी हुआ है और इस लूटपाट में 1,22,000 रुपये नकदी लूट ली गई है। हरियाणा कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर गुरुग्राम में हरियाणा कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि किस तरह से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी करनी है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाना है। आपको बता देंगे 21 दिसंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दाखिल हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।